हे गाइस व्हाट्सअप। और आज हम स्टार्ट करते हैं 3 दिसंबर के करंट अफेयर्स। तो 3 दिसंबर में से जितने भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ होंगे वो सारी आपको इस वीडियो में देखने मिलेगी। स्टार्ट करने से पहले हमेशा की तरह की रिक्वेस्ट कि अगर आपको लगता है कि हम आपकी कुछ भी मदद कर पा रहे हैं तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर दिस वीडियो मैक्स टू मैक्स और सब्सक्राइब कीजिए स्टडी मोहल्ला को ताकि आपको सारी अपडेट सबसे पहले मिल सके। इस लेक्चर की PDF के लिए नीचे लिंक दी हुई है, अदरवाइज आप टेलीग्राम ऐप डाउनलोड करके आप स्टडी मोहल्ला सर्च कीजिए, ग्रुप ज्वाइन कीजिए, वहाँ पे आपको सारे लेक्चर्स की PDF साथ साथ में हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी की इंपॉर्टेंट PDF और IUPS AFO के जो अभी एग्जाम आ रहा है उसकी भी इंपॉर्टेंट PDF आपको वहाँ पे अवेलेबल होंगी। चलो अब स्टार्ट करते हैं। तो ऑस्ट्रेलिया, पहले न्यूज़ है, ऑस्ट्रेलिया पहली कंट्री बन गई वर्ल्ड में जिसने ऑर्फनेज ट्रैफिकिंग को, मतलब कि जो अनाथों की तस्करी की जाती है, उसको भी एक आधुनिक दास्ता के रूप में स्वीकार किया है। ओके, तो ये हमारा प्यारा भारत। नीचे देख सकते हो आप, ये अलग से दिख रहा है, ये ऑस्ट्रेलिया, इसके साइड में है ये न्यूजीलैंड। इस तरफ चले जाओगे आप तो ये इस साइड आ जाओगे, ये बढ़ जाएगा साउथ अमेरिका। आगे बढ़ते हैं। जो हमारे राष्ट्रपति हैं रामनाथ कोविंद जी, इन्होंने 13वां CII एग्रोटेक इंडिया 2018 का उद्घाटन किया चंडीगढ़ में। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा, ये आपको पता होगा, नमामि गंगे प्रोग्राम चल रहा है जिसके मिनिस्टर हैं, ठीक है, उसकी मिनिस्टर हैं उमा भारती। तो इन्होंने दो दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय वर्कशॉप ऑर्गेनाइज की है जिसका नाम है डेवलपिंग अ गंगा म्यूजियम कॉन्सेप्ट एक्सचेंजिंग एक्सपीरियंसेस एंड आइडियाज बिटवीन इंडिया एंड यूरोप। कहाँ पर किया है इन्होंने? तो ये किया है इन्होंने न्यू दिल्ली में। आगे बढ़ते हैं। US, मेक्सिको और कनाडा, देखो इनके पहले एक एग्रीमेंट था जिसका नाम था नाफ्टा। ठीक, नाफ्टा का फुल फॉर्म है नॉर्थ अटलांटिक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। अब इसको हटा के इन्होंने, ये अभी G20 शिखर सम्मेलन हुआ ब्यूनोस आयरस अर्जेंटीना में, ठीक, उसमें US, मेक्सिको और कनाडा ने डिसाइड किया कि नाफ्टा को हटा के अब USMCA करेंगे, यूनाइटेड स्टेट मेक्सिको कनाडा एग्रीमेंट। तो ये हमारा प्यारा भारत। आप इस तरफ जाओगे तो ये है कनाडा, ये है USA, ये है मेक्सिको, और ये तीनों मिले अर्जेंटीना में, ये नीचे साउथ अमेरिका में अर्जेंटीना। तो यहाँ पे इन्होंने USMCA फॉर्म किया। ओके, चल आगे बढ़ते हैं। म्यांमार के लीडर हैं आंग सान स्यू की, इनसे फ्रीडम ऑफ पेरिस अवार्ड वापस ले लिया गया है। इनसे पहले कनाडा की सिटीजनशिप भी वापस ली गई क्योंकि इन्होंने रोहिंग्या कम्युनिटी है जो म्यांमार की, उनके लिए कुछ काम नहीं किया, इसलिए इनसे कनाडा की सिटीजनशिप और अब फ्रीडम ऑफ पेरिस अवार्ड भी वापस ले लिया गया है। ओके, ये इमेज में दिख रहे हैं, ये हैं आंग सान स्यू की। आगे बढ़ते हैं। राजनाथ सिंह जो हमारे गृह मंत्री हैं, उन्होंने 19वें हॉर्नबिल फेस्टिवल का उद्घाटन किया नागालैंड में। नागालैंड की बात आई तो नागालैंड के CM हैं नेफ्यू रियो, गवर्नर हैं PB आचार्य। आगे बढ़ते हैं। एक रिपोर्ट आई बेन एंड कंपनी द्वारा जिसमें बताया गया कि भारत विश्व में सबसे तेजी से बढ़ने वाला ई कॉमर्स बाजार है। ओके, आगे बढ़ते हैं। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल ने डेविड टेट, ये जो इमेज में देख रहे हैं ये हैं डेविड टेट, इनको अपना नेक्स्ट CEO चुना है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। आगे बढ़ते हैं। इंडिया और चाइना, भारत और चाइना ने एक MOU साइन किया ताकि हाइजीन और इंस्पेक्शन, स्वच्छता और निरीक्षण आवश्यकताओं पर प्रोटोकॉल लगाया जा सके। ओके, आगे बढ़ते हैं। ये हमारा प्यारा भारत, ये है चाइना, ठीक है, इन दोनों ने एग्रीमेंट किया है। आगे बढ़ते हैं। मैग्नस कार्लसेन जो हैं नॉर्वे के, इन्होंने वर्ल्ड चेस चैम्पियनशिप जीती है 2018 की, ये इमेज में दिख रहे हैं, ये हैं मैग्नस कार्लसेन नॉर्वे के। तेलंगाना राज्य और ब्रिटिश काउंसिल ने एक MOU साइन किया ताकि सांस्कृतिक और शैक्षिक सहयोग को मजबूत किया जा सके, टू स्ट्रेंथन कल्चरल एंड एजुकेशनल कोऑपरेशन। आगे बढ़ते हैं। UNESCO ने कोरियन रेसलिंग को अपना हेरिटेज टैग दिया है, ठीक है, मतलब कि कोरियन रेसलिंग को, ये जो देख रहे हो आप ये कोरियन रेसलिंग, ठीक, तो इसको अपना हेरिटेज टैग दिया है। ये हमारा प्यारा भारत, ये है चाइना, और इसके आप साइड में जाओगे तो ये है कोरिया। आगे बढ़ते हैं। भारत का पहला स्वदेशी फिल्म त्यौहार 2019
19 में, फरवरी में होगा। कहाँ पर होगा? उड़ीसा में। किसको लेके होगा? तो नियमगढ़ी एक एरिया है, ठीक है, नियमगढ़ी पहाड़ी है वहाँ पे, तो वहाँ के आदिवासी हैं डोंगरिया कौंद कम्युनिटी के, तो उनको लेके उड़ीसा में एक इंटरनेशनल इंडिजीनियस फिल्म फेस्टिवल मनाया जाएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। G20 शिखर सम्मेलन आपको बताया मैंने कहाँ पर हो रहा है, ब्यूनस आयरस अर्जेंटीना में। तो उसका जो थीम है वो है निष्पक्ष और सतत विकास के लिए आम सहमति बनाना। ओके, बिल्डिंग कॉन्सेंसस फॉर फेयर एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अच्छा, G20 की बात आई तो G20 बना कब था? 1999 में, ठीक है। कितने मेंबर हैं अभी? तो 20 मेंबर हैं, ठीक है। G20 नाम से ही सिद्ध हो रहा है वो। आगे बढ़ते हैं, तो ये हमारा प्यारा भारत, आप यहाँ पे मैं बता चुका हूँ आपको, ये साउथ अमेरिका में, ये है अर्जेंटीना। ओके, आगे बढ़ते हैं। आर्मी ऑफ एम्पायर द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ इंडियन आर्मी इन द वर्ल्ड वॉर फर्स्ट, ये बुक है, एक नोवेल है जिसको लिखा गया है जॉर्ज मॉर्टन जैक द्वारा। ये जो इमेज में दिख रहे हैं ये है जॉर्ज मॉर्टन जैक। तो ये था हमारा वीडियो, थैंक यू फॉर वॉचिंग, कल फिर मिलते हैं, टेक केयर।